अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का यह टॉपिक है क्रिएट कॉरिडोर सैंपल लाइन एंड मल्टीपल क्रॉस सेक्शन व्यू एट सुपर एलिवेशन क्रिटिकल स्टेशन। ये हमारी जो सीरीज है ये ड्यूल कैरिज वे के रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्यूल कैरिज वे लिख दिया है। असम्बली आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी ड्राइंग है जिसपे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें पहले सबसे पहले जो है हमने इस पर कॉरिडोर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं कॉरिडोर क्रिएट करता हूँ। कॉरिडोर, ओके, ये हमारी अलाइनमेंट नेम है, ये हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल का नाम है, ये हमारी असम्बली है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी, और यहाँ पे ये हमारी टारगेट सरफेस है। तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मुझे पूछा जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा जो टारगेट है वो हमने जो अपना कॉरिडोर इसमें क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट के डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर पे मैं रख रहा हूँ इसको, यहाँ पे भी मैं 10 रख रहा हूँ, ओके। लॉन्ग स्पायरल हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यस, ओके। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो भी कर सकते हैं, ओके। मैं इसको यस ही कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कॉरिडोर है, सैंपल लाइन हम जो है वो क्रिटिकल स्टेशन पे क्रिएट करेंगे, ओके। अलॉन्ग कर्व, ओके। यहाँ पे मैंने जो बाई डिफॉल्ट ऑप्शन है वही लिए हैं, इनको मैं जस्ट ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। रीबिल्ड, यहाँ पे कॉरिडोर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। कॉरिडोर हमारा बन गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर हमारा बन गया है। अभी हमने इस पे अपने सैंपल लाइन जो है वो क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैं सैंपल लाइन ऑप्शन लेता हूँ, पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं। यहाँ पे जो अभी मैं सैंपल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ बाय रेंज ऑफ स्टेशन कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे विड्थ ऑलरेडी 50 मैंने इसमें रखी हुई थी जो पहले इसमें क्रिएट किए थे हमने, तो बाई डिफॉल्ट वही आ रही है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप उसके हिसाब से इसको रखिए। सैम्पलिंग इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स रखा है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ जो है अलाइनमेंट के स्टार्ट में, एंड में, और जहाँ पे मेरे ज्योमेट्री पॉइंट हैं और जहाँ पे मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैं ज्योमेट्री पॉइंट को भी इसमें फॉल्स कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्योमेट्री पॉइंट पर, मुझे सिर्फ सुपर एलिवेशन क्रिटिकल स्टेशन पर चाहिए, ओके। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि सुपर एलिवेशन के हमारे स्टेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एंड नॉर्मल क्रोन का था, ओके। ये सॉरी एंड नॉर्मल क्रोन है, यहाँ पे लेवल क्रोन है, और यहाँ पे ये जो है रिवर्स क्रोन है, और यहाँ पे फुल सुपर एलिवेशन का जो है वो स्टेशन है। इसी तरह जो कर्व एंड पे है और फिर हमारे अलाइनमेंट एंड पे है। तो अभी हमने इसके मल्टीपल क्रॉस सेक्शन व्यू क्रिएट करने हैं, यहाँ पे मैं क्रिएट मल्टीपल क्रॉस सेक्शन व्यू करता हूँ। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, 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 ओके, नेक्स्ट, क्रिएट सेक्शन व्यू। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन व्यू क्रिएट किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके। अभी तक इनमें कुछ भी नहीं है, तो हमने इनको ऐड करना है अपने कॉरिडोर को सैंपल लाइन में। यहाँ पे हमारा ये कॉरिडोर है, मैं इसको ऐड करता हूँ। अप्लाई, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर हमारा बन के आ गया है यहाँ पे, ओके। अभी इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू को सिलेक्ट किया, ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके। इसको मैं पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि इजीली ये विजुलाइज हो जाए कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। ओके, यहाँ पे ये आ गया है। अभी मैं जो है इसको चेंज करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके। ये हमारा कॉरिडोर है, मैं जस्ट इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, ओके। अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन हमारे जो हैं वो पूरे चेंज हो गए हैं, इनकी सारी कोडिंग और कलरिंग वगैरह जो है वो इसमें आ गई है।
तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हमने कॉरिडोर क्रिएट करना है, क्रिटिकल स्टेशन पे सैंपल लाइन क्रिएट करना है, और हमने अपने क्रॉस सेक्शन व्यू जो है वो बनाने हैं। तो यहाँ पे इस पे जो सुपर एलिवेशन हमने अप्लाई की हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सेक्शंस में शो हो रही है। ठीक है, मैं इसको आपको अलाइनमेंट में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ओके, व्यू एडिटर। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हम अपने क्रॉस सेक्शन जो है वो इससे मैच कर लेते हैं कि हमारी सुपर एलिवेशन अप्लाई हो, जो हमने की है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम स्टेशन चेक कर लेते हैं, 479 है, तो यहाँ पे ये 479 है, -1.5 -1.5, ओके। -1.5 है दोनों साइड में। यहाँ पे ये जो स्टेशन है ये रिवर्स क्रोन का है, सॉरी लेवल क्रोन का है, 512.26, ओके, 512.26, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में जीरो हो गया है, यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ये -1.5 है, तो यहाँ पे ये -1.5 है, ओके। अभी यहाँ पे ये जो रिवर्स क्रोन का स्टेशन है वो 524 है, ओके, ये 524, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस में है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये प्लस में है राइट साइड में, ये माइनस में है, तो ये राइट साइड में माइनस में है। यहाँ पे हमारा 3.9 जो है कर्व रेडियस के हिसाब से जो ऑटोमेटिकली आया है, ओके, तो इसका स्टेशन है 544, ओके। तो ये 544 का स्टेशन है हमारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 544.26, 544.26, और यहाँ पे ये जो है सुपर एलिवेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3.9% आपकी तरफ चली गई है, और यहाँ पे ये डाउन की तरफ 3.9 हो गया। इसी तरह आगे जो है सारे जो है इसी के हिसाब से हो गए हमारे। इसकी ये जो स्लोप है ये हमने उस टाइम में 6 रखी थी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैच करने के लिए, जहाँ पे हमारा डाटा कम था OGL का, तो मैंने इसको जस्ट 2:1 किया है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।